हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 49 ऑफ यूनिट नंबर 5, दैट इज डिज़ाइन ऑफ इंजन कंपोनेंट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश कंपोनेंट, दैट इज इंजन फ्लाईव्हील। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली थियोरटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू फ्लाईव्हील। एंड इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल गो टू द न्यूमेरिकल। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। So before starting flywheel, you have to understand what flywheel exactly means. So in practice, there are two cases where reciprocating engine mechanism is used. Okay. So the first one is internal combustion engine or IC engine. It is used as a prime mover to drive the generator or centrifugal pump. जनरेटर और सेंट्रिफ्यूगल पंप को यूज़ करने के लिए हम आईसी इंजन का यूज़ करते हैं एज अ प्राइम मूवर। और सेकेंड केस है पंचिंग मशीन, अ पंचिंग मशीन विच इज़ ड्रिवन बाय अ प्राइम मूवर लाइक इलेक्ट्रिक मोटर। अब प्रॉब्लम्स क्या है इन दोनों केसेस में? इन बोथ दिस केसेस इधर अ वेरिएबल टॉर्क इज सप्लाइड वेयर डिमांड इज कॉन्स्टेंट टॉर्क, और a demand is variable torque whereas constant torque is supply. problem kya hai, kabhi kabhi aapko constant torque ki zarurat hoti hai lekin aapko constant torque nahi milta hai, lekin kabhi kabhi aapko constant torque ki zarurat nahi hoti hai fir bhi aapko constant torque milta hai. theek hai, ye case in cases mein ye problem hoti hai. so for this both cases there is mismatch between the supply and demand. kabhi kabhi aapko jitni demand chahiye एनर्जी की उससे ज़्यादा सप्लाई होता है, या फिर कभी कभी आपको जितना सप्लाई चाहिए एनर्जी का उससे कम सप्लाई होता है. ओके, सो देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन दी सप्लाई एंड दी डिमांड. सो फॉर दिस रिजल्ट्स इन स्पीड वेरिएशन. तो इसके वजह से क्या होगा, आपका स्पीड में वेरिएशंस मिलेंगे आपको. सो इन दिस केस ऑफ जनरेटर द स्पीड वेरिएशन रिजल्ट्स इन चेंज इन फ्रिक्वेंसी और इन वेरिएशन इन वोल्टेज. ठीक है, अगर जनरेटर में आपके स्पीड में वेरिएशंस होंगे तो आपको आउटपुट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलेगा या फिर वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिल पाएगा. ठीक है, एंड इन अदर हैंड पंचिंग मशीन रिक्वायर्स एनर्जी एट स्मॉल इंटरवल व्हेन पंचिंग इज डन. सो टू सप्लाई सच लार्ज एनर्जी एट अ टाइम ऑफ पंचिंग मोटर ऑफ हाई पावर शाल बी रिक्वायर्ड. सो एट द सेम टाइम देर विल बी लार्ज वेरिएशन इन स्पीड. सो टू स्मूथन दिस वेरिएशंस इन द टॉर्क द फ्लाईव्हील इज यूज्ड. ओके, सो विच वर्क एज ए एनर्जी स्टोरेज, विच वर्क एज ए एनर्जी स्टोरेज. So this results in uses of low power motor in punching machine. Okay. So the function of flywheel is mentioned over here. A flywheel used in a machine serves as a reservoir which stores the energy during the period of when the supply of energy is more than the requirement. And the releases it during the period when the requirement of energy is more than supply. Okay, so this is the function of flywheel. Now consider this figure. This is the four-stroke IC engine where four-stroke is mentioned by these pistons, suction, compression, power, and exhaust one. And this flywheel is attached to this crankshaft. Okay, so in IC engine the energy is developed only during the power stroke, you know that. Okay, which is much more than the engine load, and no energy is being developed during the suction, compression, and the exhaust stroke. So in this case four stroke engine and during the compression cases in टू स्ट्रोक इंजन. क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में आपको पावर डेवलप कहाँ मिलती है, सिर्फ पावर स्ट्रोक में.
ठीक है, तो एनर्जी आपको सिर्फ एक ही स्ट्रोक में मिल गया, लेकिन बाकी तीनों स्ट्रोक में आपको एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, तो आपके इंजन का जो आउटपुट होगा डेफिनेटली वेरिएशन तो क्रिएट होगा ना। आपको सिर्फ एनर्जी कहाँ मिल रही है, पावर स्ट्रोक में, लेकिन अदर थ्री स्ट्रोक में आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये एनर्जी को आपको जो एक्स्ट्रा बन रही है पावर स्ट्रोक में, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, सो हेंस द फ्लाई व्हील इज अटैच टू दिस मैकेनिज्म। ओके, दिस फ्लाई व्हील सर्व एज अ रिजर्वायर टू रिस्टोर द एक्स्ट्रा पावर डेवलप बाय दिस पावर स्ट्रोक। सो द एक्सेस एनर्जी डेवलप ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक इज एब्जॉर्ब बाय द फ्लाई व्हील एंड इट रिलीजेस टू द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग द अदर थ्री स्ट्रोक्स इन विच नो एनर्जी इज डेवलप्ड। सो दस रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट एट दिस यूनिफॉर्म स्पीड। Now, a little consideration will show here that when the flywheel absorbs energy, its speed increases, and when it releases, the speed is decreases. Okay? यहाँ पे आपको एक नोट मिलता है ऐसे कि जब फ्लाईव्हील आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जब फ्लाईव्हील आपकी एनर्जी को रिलीज करता है, तब उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस हेंस अ फ्लाई व्हील डज नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। योर फ्लाई व्हील डज नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। ओके, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या होता है जब आपके फ्लाई व्हील की एब्जॉर्बिंग एनर्जी होती है, तब इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जब इसको ये एनर्जी रिलीज करता है, तब इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं। ओके, तो ये दिया है यहाँ पे कि फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, बट इट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस। ओके, सो इन मशीन वेयर द ऑपरेशन इज इंटरमीडिएट लाइक पंचिंग मशीन, शियरिंग मशीन और रिवेटिंग मशीन और क्रशर्स, ठीक है, ईटीसी, द फ्लाई व्हील स्टोर दिस एनर्जी फ्रॉम द पावर सोर्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल एंड इट गिव्स इट अप ड्यूरिंग अ स्मॉल पीरियड ऑफ द साइकिल। तो आपका फ्लाई व्हील क्या करता है, इस मशीन्स में, कौन से मशीन्स में, पंचिंग मशीन में, शियरिंग मशीन में, रिवेटिंग मशीन में और क्रशर में स्टोर करता है एनर्जी को, और जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब उसको आपको स्मॉल पीरियड ऑफ साइकिल के टाइम पे अवेलेबल करवाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लाई व्हील। सो वी विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सम टेक्निकल डेफिनेशन रिलेटेड टू फ्लाईव्हील्स। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।